बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बड़ी खबर बिजनौर के छेद चांदपुर से। 12 दिन से लापता व्यक्ति की हत्या कर शव तालाब में फेंके जाने के मामले में चांदपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने रंजीत सेन हत्या करने वाले रसूलपुर नंगला निवासी दो अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। बाकी एक अभियुक्त अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। आपको बता दें, चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव छतरपुर निवासी दीवान सिंह 12 दिन पूर्व अचानक रिक्शा चलाते वक्त गायब हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन कहीं नहीं मिल पाया। आखिर में परिजनों ने थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिए थे, लेकिन एक दिन पूर्व मृतक दीवान सिंह का शव किरतपुर थाना क्षेत्र के चुड़ियापुर गांव में मिला। पुलिस ने शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मामले में आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने सोहेल नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और उसका साथी अमजद अभी भी फरार है। जल्द ही पुलिस अमजद को भी गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। बिजनौर एक्सप्रेस से हमारे संवाददाता रोहित कुमार की यह खास रिपोर्ट। थाना चांदपुर के गांव सकलपुर मिलक के दीवान सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसकी गुमशुदगी 15 तारीख को देखी गई थी, पुलिस ने छानबीन करके पता लगाया कि उसी की जानने वाले अमजद और सुहेल CCTV कैमरे में एक ही ई रिक्शा से जाते हुए नजर आए। ये भी ज्ञात हुआ कि एक दूसरे से जानने वाले हैं, परिचित हैं, बल्कि सभी मिल करके शराब आज पीते हैं। उसमें से एक व्यक्ति सुहेल पकड़ा गया तो उसने पूछताछ पर बताया कि सवारी को लेकर के विवाद हुआ और वो सब प्लानिंग करके ले गए किरतपुर, जिसकी अमजद की रिश्तेदारी है, वहाँ पर शराब के नशे में इसको मार करके तालाब में डाल दिया। इसकी बॉडी रिकवर हुई है। 364 IPC, 302, 201 IPC का अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। एक अभियुक्त गिरफ्तार है, दूसरा अभियुक्त अमजद की गिरफ्तारी शेष है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें